आपका स्वागत है। मैं वीरेन एक बार फिर से आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ ओ लेवल का कोर्स, जो कि आज टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। हिंदी में कहते हैं इसको कंप्यूटर की पीढ़ी। कंप्यूटर शुरू कहाँ से हुआ ये हम लोग देखेंगे। अगर ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आए तो लास्ट में लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। पहला, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कि जो कंप्यूटर सिस्टम है हमारा, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पॉइंट वाइज है ये, आप लोग देख लीजिएगा, और अगर आपको नोट्स बनाना है तो इसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लीजिएगा। पहला, कंप्यूटर सिस्टम इज अ बेसिक कंप्लीट एंड फंक्शनल कंप्यूटर इंक्लूडिंग ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू मेक इट फंक्शनल फॉर अ यूजर। कहने का मतलब जो है, जो कंप्यूटर सिस्टम है हमारा, इसको चलने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत हुई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। बिना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कंप्यूटर नहीं है, और जब ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो यूजर इसको यूज भी नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट, इट शुड हैव द एबिलिटी टू रिसीव यूजर इनपुट प्रोसेस डेटा एंड विद द प्रोसेस डेटा क्रिएट इंफॉर्मेशन फॉर स्टोरेज एंड और आउटपुट। मतलब कि इसके पास में ये क्षमता है कि ये जो यूजर के द्वारा दिया गया हुआ इनपुट है उसको ये प्रोसेस करेगा डेटा के फॉर्म में। उसके बाद में जब डेटा प्रोसेस्ड हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा, तो उस कंप्लीट डेटा को एक इंफॉर्मेशन के रूप में स्टोर कर देगा, और इन्फॉर्मेशन के रूप में स्टोर करने के बाद में ये आउटपुट दे देगा। अगला पॉइंट, अ कंप्यूटर सिस्टम अलाउज यूजर टू इनपुट मैनिपुलेट एंड स्टोर डेटा। कंप्यूटर सिस्टम टिपिकली इंक्लूड अ कंप्यूटर मॉनिटर कीबोर्ड माउस एंड अदर ऑप्शनल कंपोनेंट्स। ऑल ऑफ दीज कंपोनेंट्स आल्सो कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू ऑल इन वन यूनिट्स सच एज लैपटॉप कंप्यूटर्स। मतलब कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है ये अलाउ करता है हम लोगों को कि पहले इनपुट दिया जाए, उसके बाद में ये उस चीज़ को मैनिपुलेट करता है, उसके बाद में वो डेटा को स्टोर कर देता है। तो ये जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है ये कई सारे चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। ऐसा नहीं कि जो हमें टीवी जैसा दिखता है यही कंप्यूटर है, नहीं। कंप्यूटर में मॉनिटर कीबोर्ड माउस एंड अदर ऑप्शनल कंपोनेंट्स में हम लोग जैसे यूज कर लेते हैं, आपका स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इसके बाद में जो हमारे पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखता है ये कंप्यूटर का होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। हाँ, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब सबसे पहले आते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई। ये तो था कंप्यूटर का एक परिचय। अब इवोल्यूशन में हम जो पढ़ेंगे, जब इवोल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे तो देखते हैं क्या है कि जब सबसे पहले कंप्यूटर हमारा आया तो इसमें जो है मैनी सेंचुरीज एगो हु मैन स्टार्टेड टू काउंट द नंबर्स। जब इंसान को ये समझने लगा कि हमको नंबर का काउंटिंग करनी चाहिए, गिनती करनी चाहिए, ही नाउ अ डिवाइस वी कैन ट्रेस द नंबर एंड दस कैन द एग्जिस्टेंस ऑफ अबेकस। ये जो अबेकस है ये जो है हमारा सबसे पहला कंप्यूटर कह सकते हैं। ये आपके बगल में स्क्रीन पे दिख रहा होगा राइट साइड में, इसको अबेकस बोलते हैं। इट वाज फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस विच वाज डेवलप्ड इन चाइना मोर देन 3000 ईयर एगो। कहते हैं कि अबेकस का जो निर्माण हुआ वो अब से लेकर के 3000 साल पहले चाइना, चीन देश में हुआ था, ठीक है। द ग्रीक द नेम वाज ऑप्टन फ्रॉम ग्रीक वर्ड अबेक्स विच मीन स्लैब। इसका मतलब क्या है, ये जो अबेकस शब्द आया वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसको अबेक्स बोलते हैं, और इसका मीन्स होता है स्लैब। स्लैब मतलब होता है भाग बनाना। जैसे कि आपको ये नंबरिंग जो लाइंस दिख रही हैं 1 2 3 करके, इसको स्लैब्स बोलते हैं, ठीक है।
तो आगे पढ़ते हैं। दिस डिवाइस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम एंड बीट्स। ये जो डिवाइस थी एक लकड़े की चौखाने की चार कोने की ये डिवाइस थी, इसमें जो बीट्स लगे थे, मूंगे कह सकते हैं आप लोग इसको सरल भाषा में समझने के लिए, वो लगे होते थे। द फ्रेम कंटेंस हॉरिजेंटल रॉड्स एंड बीट्स विच हैव होल्स आर पास्ड थ्रू द रॉड्स। तो ये जो इसमें रॉड्स लगी थी, रॉड्स में क्या होता था, ये हॉरिजेंटली लगी होती थी और इसके अंदर जो है जो बीट्स होते थे वो होल करके पास कराए जाते थे, ठीक है। काउंटिंग व्हेन डन बाय मूविंग द बीट्स फ्रॉम वन एंड टू द फ्रेम टू द अदर। और जब काउंटिंग कंप्लीट हो जाती थी तो ये बीट्स क्या किए जाते थे, एक तरफ से दूसरे तरफ में खिसका दिए जाते थे। तो ये था गणना करने का सबसे पहला तरीका जहाँ पे काउंटिंग मशीन की शुरुआत हुई। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है नेपियर बोन्स, उसके बाद में नेपियर बोन्स आए और इनका जो ट्रिक था वो बिल्कुल अलग था। इन्होंने जो कैलकुलेशन के लिए मशीन बनाई थी वो आपके राइट साइड में दिख रही है, देखते हैं इन्होंने क्या किया। इट इज अ डिवाइस विच कंटेन अ सेट ऑफ रॉड्स मेड ऑफ बोन्स। कहने का मतलब जो है कि इन्होंने जो बनाया वो भी रॉड्स के तरीके का ही था लेकिन वो हड्डियों का बना हुआ था। इट वॉज डेवलप्ड बाई जॉन्स नेपियर अ स्कॉटिश मैथमेटिशियन एंड हेंस द डिवाइस वॉज नेम्ड एंड नेपियर बोन्स। तो ये पार्ट आप लोग जो है इसको मेंशन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये पॉइंट जो है। डेवलप्ड बाई जॉन्स नेपियर और स्कॉटिश मैथमेटिशियंस थे, ठीक है। द डिवाइस वॉज मेनली डेवलप्ड फॉर परफॉर्मिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये जो डिवाइस बनी थी ये केवल और केवल गुणा और भाग करने के लिए बनाई गई थी। लेटर इन 1614 ही आल्सो इंट्रोड्यूस लॉगरिथम। और उसके बाद में 1614 में इन्होंने ही जो है लॉगरिथम्स बनाई, ठीक है, और उससे हमें परिचित कराया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। इवेल्युएशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में एक आता है पास्कलिन। कहा जाता है कि यहीं से कंप्यूटर की शुरुआत मानी जाती है बेसिकली। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो राइट साइड में आपको दिख रही है ये पास्कलिन की जो है एक मशीन है जिसको बेल्स पास्कल ने बनाया था। देखते हैं, पास्कलिन इज अ कैलकुलेटिंग मशीन डेवलप्ड बाय द बेल्स पास्कल। तो जो पहला पॉइंट है आप लोग देख लीजिए कि किसके द्वारा डेवलप की गई थी ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। इट वॉज फर्स्ट डिवाइस विद एन एबिलिटी टू परफॉर्म एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस ऑन होल नंबर। ये एक ऐसी डिवाइस थी जिसके पास ये क्षमता थी कि ये केवल होल नंबर वाले नंबर्स को का ही एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकती थी। नेक्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसको इसलिए हमने जो है बोल्ड में कर दिया है, देख लीजिएगा कि द डिवाइस इज मेड अप ऑफ इंटरलॉक कॉक्स व्हील विच कंटेन नंबर्स 0 to 9 ऑन इट्स सर्कमफेरेंस व्हेन वन व्हील कंप्लीट इट्स रोटेशन द अदर व्हील मूव्स बाय वन सेगमेंट। कहने का मतलब है ये जो व्हील्स आपको दिख रहे हैं इस व्हील्स में क्या है कि 0 to 9 नंबर तक नंबरिंग होती थी और जब एक पूरा राउंड कंप्लीट हो जाता था, 0 to 9 नंबर तक कंप्लीट हो जाता था, इसका सर्कमफेरेंस मतलब इसकी जो परिधि थी वो गोल घूम करके एक बार कंप्लीट कर जाती थी, तो क्या होता था, जो दूसरा व्हील आपको दिख रहा है, जो दूसरा चक्र दिख रहा है, ये केवल एक सेगमेंट आगे बढ़ता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पास्कल पेटेंटेड दिस डिवाइस इन 1647 एज प्रोडक्ट इट ऑन मास स्केल एंड अर्न हैंडफुल ऑफ मनी। कहने का मतलब ये है कि पास्कल ने जब 1647 में इसको
प्रोड्यूस किया और इसको मार्केट में उतारा, तो ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि वो इससे बहुत बड़े धनी आदमी बन गए। ठीक है, तो ये तो था पास्कल ने जो अपनी नई मशीन बनाई कैलकुलेशन वाली, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आगे देखते हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। माना जाता है कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो 1940 से 1956 के बीच में विकसित हुए। ठीक है, तो देखते हैं इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, कहीं भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का जवाब आपको दे दूँगा। पहला, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर ह्यूज, सो स्लो, एक्सपेंसिव एंड ऑफन अनरिलायबल। जो पहले पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा एक घर में एक कंप्यूटर लगा हुआ है, तो कम से कम एक कमरे के बराबर का मान सकते हैं। उसके बाद में स्लो भी था, महंगा बहुत था, एक्सपेंसिव बहुत था और ऑफन अनरिलायबल, बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन इसका जो आविष्कार था वो अमेरिका में दो लोगों ने 1946 में किया, प्रेस पर इकार्ट एंड विलियम माइकाले बिल्ड द इनियाक। इन दोनों लोगों ने जो है मिल करके इनियाक बनाया। इनियाक का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ENIAC इनियाक। इसका पूरा नाम जो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये एग्जाम पेपर में पूछा जा सकता है आपको, ये जो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं ऑप्शनल वाले, उसमें इनियाक का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि किस सन में बनाया गया और कहाँ पे बना, तो तीनों चीज़ें आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिएगा। पहला, ये इनियाक जो है आपका, ये इनियाक हो गया आपका, कहाँ पे बना और कब बना, तो ये चीज़ें हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। अगला, इट यूज वैक्यूम ट्यूब, इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल फीचर्स ऑफ द मार्क वन फीचर। तो इसमें जो एक फीचर्स था क्या था, वो मैकेनिकल स्विच इसमें लगे होते थे और ये जो है वैक्यूम ट्यूब से बना हुआ था। मतलब ये कह सकते हैं कि जो पहले पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट था वो वैक्यूम ट्यूब ही था। दूसरा, इट कुड परफॉर्म 5 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड टेबल रेफरेंस। कहने का मतलब ये जो पहला कंप्यूटर बना, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर, ये सिर्फ और सिर्फ 5 चीज़ें ही कर पाता था, 5 अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर पाता था। क्या क्या थे वो? एडिशन था, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड टेबल रेफरेंस, ये सारी चीज़ें कर लेता था, जोड़ घटाना गुणा भाग और जो आपके काउंटिंग होती थी पहाड़े की जिसको बोलते हैं वो। इट्स टुक अप्रॉक्सीमेटली 0.3 सेकेंड्स टू ऐड 2 नंबर्स एंड 4.5 सेकेंड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स। तो ये जो टाइम इन्होंने दिखाया है कि करीब करीब 0.3 सेकेंड इसको जोड़ने में लगते थे किसी दो नंबर को, और 4.5 सेकेंड जो है इसको मल्टीप्लिकेशन करने में लगते थे। तो आप समझ सकते थे कितना स्लो था। आजकल के समय में तो एक बच्चा भी बता देता है कि दो नंबर्स का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो बहुत इजली, बहुत ही कम समय में बता देगा। मार्क्स के डिसएडवांटेज क्या थे? मार्क्स फर्स्ट के, पहली चीज़ तो ये इट वाज ह्यूज इन साइज, साइज में बहुत बड़ा था। दूसरा, कॉम्प्लेक्स इन डिजाइन, अपने डिजाइन के कारण ये बहुत भारी भरकम हुआ करता था, वेरी स्लो, काम भी बहुत धीमा करता था। तो ये कुछ ऐसे पार्ट्स थे जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमें देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद में फिर इनियाक के बाद में आया यूनिवैक, ये भी उसी समय में आया था 1942-1956। द यूनिवैक, इसका फुल फॉर्म जो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहते थे, वाज फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय मैकले एंड एकार्ट। तो दोनों लोगों ने ही उसी समय यूनिवैक नाम का कंप्यूटर बनाया, जो पहला जो है कंप्यूटर था डिजिटल।
ठीक है। इन 1951 एकर्ट एंड माइकले ब्यूल द यूनिवैक विच कुड कैलकुलेट एट द रेट ऑफ 10,000 एडिशन पर सेकेंड। उसके बाद में ये जो सिस्टम आया इसकी कैपेसिटी बहुत बढ़ गई। पहली चीज तो ये डिजिटल था, दूसरी ये 10,000 जोड़ को एक सेकंड में कर सकता था। तो यहाँ तक तो अब हम लोगों ने देखा कि पहले पीढ़ी के कंप्यूटर थे। अब नेक्स्ट में आते थे सेकंड जनरेशन में, चलिए देखते हैं। सेकंड जनरेशन कहा जाता है 1956 से 1963 के बीच में आई। इसके जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे, महत्वपूर्ण कंप्यूटर के अंग थे, वो देख लेते हैं था क्या। वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर। ये जो ब्लैक से आपको दिख रहा है ये ट्रांजिस्टर है, तो वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। ट्रांजिस्टर इज अ स्मॉल डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सिग्नल्स थ्रू रेजिस्टर्स। तो ये कहते थे कि ये जो डिवाइस थी वो अपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स विद्युत के सिग्नल्स थे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थे, उनको जो है रजिस्टर्स के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ये भेजती थी, ट्रांसफर कर देती थी। द क्रिएशन ऑफ ट्रांजिस्टर स्पार्क द प्रोडक्शन ऑफ अ वेव ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। कहते हैं कि ये जो ट्रांजिस्टर था ये क्या करता था कि कुछ वेव्स, कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक्स वेव हैं उसके सहारे ये जो है वर्क करता था। ट्रांजिस्टर वाज ए स्मॉल डिवाइस यूज टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल अक्रॉस अ रजिस्टर। तो ये जो हमारा ट्रांजिस्टर था ये रजिस्टर्स के सहारे क्या है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को ट्रांसफर करता था एक जगह से दूसरी जगह पे। ट्रांजिस्टर हैड मैनी एडवांटेजेस कंपेयर्ड ऑफ टू अदर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। तो जब से ट्रांजिस्टर आने लगे तो इसने जो है हार्डवेयर की टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया और कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस कर दिया और उसके जो आकार होते थे, जो बहुत बड़ा आकार होता था उसको इसने जो है छोटा किया। ट्रांजिस्टर वाज स्मॉलर देन वैक्यूम ट्यूब। कहा जाता है कि ट्रांजिस्टर जो है वैक्यूम ट्यूब से बहुत छोटा था, जैसा कि दिखने से ही लग रहा है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं वो देख लेते हैं। दे नीडेड नो वार्म अप टाइम। काफ़ी समय तक इनको जो है गर्म होने की कोई जरूरत नहीं होती थी। कंज्यूम लेस एनर्जी, एनर्जी को भी ये बहुत ही कम लेते थे, बहुत ही कम खपत होती थी एनर्जी की भी। जनरेट मच लेस हीट। ये कहा जाता है कि वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले में ये जो आपके ट्रांजिस्टर थे ये बहुत ही कम हीट निकालते थे। अगला फास्ट एंड मूव रिलायबल। तो छोटा होने के कारण ये काम तो ज़्यादा करता था लेकिन जो है ईजिली से रिलायबल था, कहीं भी ले जाया जा सकता था। और क्योंकि जब सिस्टम छोटे हो गए तो उसको मूव करना आसान हो गया। एक चीज़ और बताना चाहेंगे इसी में, पॉइंट तो नहीं है फिर भी आप लोग मेंशन कर लीजिएगा कि ऐसा कई जगह पे मैंने पढ़ा है कि लगभग एक ट्रांजिस्टर 40 वैक्यूम ट्यूब के बराबर होता था। मतलब कि एक ट्रांजिस्टर 40 वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करता था एक साथ। तो आप ये समझ लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण पार्ट है जिसने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया और कंप्यूटर को छोटे करने में मदद किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड जनरेशन, उसके बाद आई थर्ड जनरेशन 1964 to 1971। ठीक है, फीचर इसके देख लेते हैं। इन दिस जनरेशन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस दैट मेड इट पॉसिबल टू इंटीग्रेट लार्ज नंबर ऑफ सर्किट एलिमेंट्स इनटू वेरी स्मॉल सरफेस ऑफ सिलिकन नोन एज चिप्स। कहने का मतलब क्या है कि जब थर्ड जनरेशन शुरू हुई 1964 में, तो उस समय तक लोगों ने कंप्यूटर के क्षेत्र में इतना मुकाम हासिल कर लिया था कि वो कंप्यूटर के पार्ट को और छोटा करना चाह रहे थे। तो जब वैक्यूम ट्यूब से आपका ट्रांजिस्टर आया तो ट्रांजिस्टर बहुत सारा लगाना पड़ता था और उस समय लोगों ने सोचा कि इसको और छोटा किया जाए। तो उन्होंने फिर एक आईसी का आविष्कार किया। आईसी में क्या होता था, बहुत सारे
हजारों की संख्या में जो ट्रांजिस्टर होते थे उसको एक सिलिकन की चिप में कन्वर्ट कर दिया जाता था और उसको एक चिप बना दी जाती थी जिसको आईसी बोलते हैं हम लोग आजकल के टाइम में, आई और सी। इसको आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। जैसे कि इंटीग्रेटेड अगर हम लोग देखें तो इंटीग्रेटेड का जो मीनिंग होता है वो होता है, ये एक मिनट, ये लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या होता है कि इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना, समाकलन करना, ठीक है। समाकलन मीन्स होता है बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के एक नई चीज़ बना देना। तो ये जो टेक्नोलॉजी आई वो सिलिकन के रूप में, सिलिकन की जो थी उस पर चिप में परफॉर्म की जाती थी, ठीक है। आगे द न्यू टेक्नोलॉजी वॉज कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट या ये जो नई टेक्नोलॉजी थी इसको क्या बोला, इंटीग्रेटेड सर्किट बोला। इसके एडवांटेज क्या क्या थे ये भी देख लेते हैं। अ न्यू कॉन्सेप्ट इन दिस जनरेशन वॉज दैट ऑफ अ फैमिली ऑफ कंप्यूटर विच अलाउ टू बी अपग्रेड एंड एक्सपेंडेड एज नेसेसरी, ठीक है। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी आई इसमें जो कंप्यूटर्स की फैमिली थी इसको इसने जो है अपग्रेड किया और एक्सपेंड किया, जो भी नए नए फीचर्स थे, जो ज़रूरी फीचर्स थे उसको बढ़ावा दिया। सिलिकॉन चिप्स वर रिलायबल, कॉम्पैक्ट एंड चीपर। जब सिलिकॉन की चिप्स आने लगी तो ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल हो गई थी और कॉम्पैक्ट मतलब छोटी हो गई थी और सस्ती भी हो गई थी। सोल्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेपरेटली विच क्रिएटेड द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। और अब क्या होने लगा था कि कंप्यूटर को बनाने के लिए हार्डवेयर की इंडस्ट्री अलग बन गई और सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री अलग बन गई। कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री फ्लोरिस्ट, रिजर्वेशन एंड क्रेडिट चेक्स। तो अब यहाँ पर भी कस्टमर सर्विस की इंडस्ट्री भी बढ़ने लगी। आगे देखते हैं फोर्थ जनरेशन 1971 टू प्रेजेंट, अब तक की चल रही है। इसमें सबसे पहले जो आया लगभग 55 साल, इट टुक ओनली 55 ईयर्स फॉर द फोर्थ जनरेशन टू इवॉल्व। कहते हैं कि लगभग 5 साल हुए हैं अभी और इसमें 4 जनरेशन के कंप्यूटर्स का उदय हो चुका है, 4 पीढ़ी के कंप्यूटर आ चुके हैं। द ग्रोथ ऑफ द कंप्यूटर इंडस्ट्री डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज ऑफ कंप्यूटर इन्वेंशन। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो कंप्यूटर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है, जो टेक्नोलॉजी का उदय हुआ है, आविष्कार हुए हैं, इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट हैं वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला आया एप्पल मैकिंटोश, सबसे महंगा कंप्यूटर लैपटॉप इसी का मिलता है आजकल, ठीक है। दूसरा है IBM, डेल, एसर। तो ये जितने कंप्यूटर हैं इस तरीके के और भी हैं, जैसे अगर हम लोग देखें HP का हो गया आपका, ठीक है, लेनोवो का हो गया लेनोवो, ठीक है, और भी इसी तरीके के सोनी वायो का हो गया, सैमसंग का हो गया। तो कई सारे ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, सस्ते, रिलायबल और कहीं भी मूव करने वाले कि आपने जो है लिया और लेकर के चल दिए। और उसके बाद में लैपटॉप भी एक कंप्यूटर का ही एक छोटा सा रूप है, जिस जो कि डेस्कटॉप से भी छोटा है। तो देखते हैं आगे, फोर्थ जनरेशन में और कुछ चीज़ें थी, एक पॉइंट देख लेते हैं। इन 1971 इंटेल क्रिएटेड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। एक कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1971 में इंटेल पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने माइक्रो प्रोसेसर बनाया अपना पहला, 1976 में। और स्टीव जॉब्स बिल्ड द फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर, और एप्पल कंप्यूटर के जो जन्मदाता हुए वो स्टीव जॉब्स हुए, जिन्होंने माइक्रो प्रोसेसर पे वर्क किया। इन 1981 IBM इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर ड्यूरिंग द फोर्थ जनरेशन हार्डवेयर टेक्नोलॉजी सच एज सिलिकॉन चिप्स, माइक्रो प्रोसेसर एंड स्टोरेज डिवाइस वर इन्वेंटेड। कहने का क्या मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि 1981 में IBM ने पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया अपनी चौथी पीढ़ी में,
जिसमें हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में उसने सिलिकन की चिप्स, माइक्रो प्रोसेसर और स्टोरेज डिवाइस का जो है इन्वेंशन किया। ठीक है, अगला, आ माइक्रो प्रोसेसर इज अ स्पेशलाइज्ड चिप विच इज डेवलप्ड फॉर कंप्यूटर मेमोरी एंड लॉजिक। कहने का मतलब हुआ जो माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता था उसमें जो चिप्स का यूज होता था वो क्या होता था, कंप्यूटर की मेमोरी और लॉजिक्स के लिए यूज होता था। लॉजिक्स अगर देखें तो आप लोगों को अगर आपने पढ़ा है एंड गेट और गेट नॉट गेट, तो उसमें जो लॉजिक लगते हैं तो वो चिप्स पे ही बनते हैं। ठीक है, तो अगर कभी पढ़ेंगे, मौका मिला अगर सब्जेक्ट में हुआ या फिर एग्ज़ाम के बाद जब भी कभी, तो लॉजिक्स के बारे में जितने भी गेट्स होते हैं और बूलियन अलजेब्रा कह सकते हैं उसको, तो उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन देंगे और वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ जनरेशन में ही एक और चीज़ थी, द माइक्रो प्रोसेसर इज अ लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो उसके बाद में पहले तो ICI इंटीग्रेटेड सर्किट, तो उसमें क्या हुआ कि जो आपकी चिप्स थी उनको लगा लगा के बनाया गया। फिर देखा गया क्या इससे बड़ा भी सर्किट बनाया जा सकता है, कोई एक ऐसा सर्किट जो सभी कंपोनेंट्स को ले करके अपना काम कर सके। तो ये था, तो फिर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आया, इसको LSI बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, इसको बोलते हैं LSI। फुल फॉर्म ये लिखा हुआ है इसका, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ठीक है, विच कंटेन थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर्स। मैं अभी पहले ही बोल रहा था कि बहुत सारे सर्किट्स को ये अपने पास रख सके, मतलब जब LSI आया तो इसने करीब हजारों ट्रांजिस्टर्स को अपने अंदर समाहित कर लिया। द ट्रांजिस्टर्स ऑन दिस वन चिप आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल ऑफ फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कहने का मतलब है कि ये जो ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस हुए चिप के फॉर्म में आ गए, तो इनकी कैपेबिलिटी इतनी थी कि ये कंप्यूटर्स में जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स के फॉर्म में काम करते थे वो सारे अपने अपने वर्क करने, अपना अपना वर्क परफॉर्म करने में काफ़ी ज़्यादा एबल थे। एडवांटेज क्या थी ये देख लेते हैं इसकी, कंप्यूटर्स बिकम 100 times स्मॉलर देन ENIAC। ENIAC जो हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था, लेक्चर शुरू किया था, तो उसमें हमने ENIAC के बारे में पढ़ा था। तो ये जब LSI आया तो इसने लगभग 100 times ENIAC से छोटा कर दिया कंप्यूटर को, फर्स्ट जो कंप्यूटर था। गेन इन स्पीड, रिलायबिलिटी एंड स्टोरेज कैपेबिलिटी, इसको स्पीड मिल गई, रिलायबिलिटी मिल गई और क्षमता स्टोरेज मिल गया, मतलब किसी भी चीज़ को रखने की क्षमता हो गई। पर्सनल एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बूम्ड, और ये जो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए एक वरदान साबित हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ जनरेशन, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। कहने का मतलब है ये जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर थे ये तो अभी तो चल ही रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस एंड आर स्टिल बींग डेवलपमेंट टू बिकम मोर इफिशियंट। कहने का मतलब है जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं ये, इनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी फास्ट है और काफ़ी अच्छे से डेवलपमेंट भी इनका हो रहा है और ये काफ़ी इफिशियंट है, हर चीज़ काम करने में बहुत ही सक्षम। द इन्वेंशन ऑफ न्यू हार्डवेयर टेक्नोलॉजी इन फिफ्थ जनरेशन हैव ग्रोन रैपिडली इंक्लूडिंग मैनी अदर मॉडर्न कंप्यूटर डिवाइसेस। कहने का मतलब है कि ये जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हुए इसमें क्या हुआ कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया और ये मॉडर्न कंप्यूटर डिवाइस के फॉर्म में कुछ पार्ट हैं हमारे पास में, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट के फॉर्म में। पहला, सिलिकन चिप्स। जैसे सिलिकन चिप्स आ गई तब से काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर फास्ट वर्क करने लगा और कंप्यूटर स्मॉल हो गया। दूसरा, प्रोसेसर। प्रोसेसर आजकल हम लोग देख रहे हैं कि पहले पेंटियम 4 आता था, अभी क्या हो गया कि डुअल कोर, क्वाटर डुअल, उसके बाद में आया i3, i5, i7, ये सारे प्रोसेसर हैं। जैसे ही आने लगे काफ़ी ज़्यादा स्पीड इनकी इंक्रीज़ होती गई। ठीक है, अभी तक तो रोबोटिक्स, आजकल क्या देख रहे हैं कि रोबोटिक्स के फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा वर्क हो रहा है रोबोटिक्स के क्षेत्र में। तो वो रोबोटिक्स एक ऐसा यंत्र है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्क होता है,
चाइना वगैरह की बात करें, जापान की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुके हैं इन सब चीज़ों में। आजकल कोरोना में भी कई हॉस्पिटलों में देखा गया है कि इन्फेक्शन ना फैले किसी को, तो रोबोट के जरिए ही जो है मेडिसिन पहुंचाई जाती हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा है। और अगर देखा जाए, एक फिल्म याद आती है मुझे, रजनीकांत की रोबोट जो पहले आई थी, तो उसमें टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही दिखाया है। हालांकि अभी वहाँ तक तो टेक्नोलॉजी नहीं पहुँची है, वो केवल सोच थी, लेकिन इन फ्यूचर शायद पहुँच जाएगी। अगला, वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी एक ऐसी चीज़ होती है जो होता नहीं है पर दिखता है। ठीक है, कैसे कि अगर आप 3D मूवी देखने जाएं, तो अभी मैंने जो रिसेंट में 3D मूवी देखी थी, तो उसमें ऐसा होता है कि एक गॉगल्स मिलता है आपको 3D का, उसको जो है आपको पहन के देखना होता है, तो ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल फील करते हैं कि नहीं, हम वहीं पे हैं। ठीक है, तो ये 3D है, वर्चुअल रियलिटी होती है। इंटेलिजेंट सिस्टम की बात करें, तो आजकल जो हमारे मोबाइल आ रहे हैं, इतने इंटेलिजेंट है कुछ कहने को नहीं। सबसे पहले इसकी सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं, इंटेलिजेंट सिस्टम की बात ही आ गई है तो। इसमें बात करेंगे फेस अनलॉक की और फिंगर स्कैनर की, तो दोनों एक ऐसी चीज़ें हैं जो इंटेलिजेंट सिस्टम में काम करती हैं। आपका मोबाइल है, किसी दूसरे ने अपने फेस को देख के लॉक खोलना चाहा तो संभव ही नहीं है। ठीक है, एक उंगली जिससे हम अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं जो लॉक के लिए लगी हुई है, वहीं उसी हाथ की दूसरी उंगली लग जाती है तो सिस्टम नहीं ओपन होता है। तो ये आपका हो गया इंटेलिजेंट सिस्टम। प्रोग्राम विच ट्रांसलेट लैंग्वेज, अब तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम आ गए हैं जो कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी कंप्यूटर की जो एवोल्यूशन थी, कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ थी, कंप्यूटर का उदय से लेकर के अब तक का सफ़र जो रहा वो हमने देखा। तो ख़त्म करते हैं, कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।